केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज यहाँ कश्मीर घाटी में जोजिला टनल के इस छोर पर पहुँच रहे हैं जो कश्मीर घाटी से खुलकर लद्दाख की तरफ जाता है। ये जोजिला टनल लद्दाख को कश्मीर घाटी और देश के अन्य भागों से पूरे साल भर जोड़े रखेगी तैयार होने के बाद। और 13.2 किलोमीटर की ये टनल एशिया की सबसे बड़ी हाई ऑल्टीट्यूड टनल यहाँ पर बन रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दूसरे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इस टनल के अंदर जाकर जोजिला टनल में हो रहे काम का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ उन्हें बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस काम में तेज़ी लाई जा रही है। और इस टनल को ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जो कश्मीर घाटी की तरफ से ये वाला ट्यूब अंदर की तरफ जा रहा है, ये 3 किलोमीटर तक इसकी एक्सकेवेशन पूरी हो गई है और लद्दाख की तरफ से भी 3 किलोमीटर तक काम पूरा हो गया है। इस टनल में अभी भी 7 किलोमीटर से ज़्यादा काम होना बाकी है और बताया जा रहा है कि साल 2026 तक ये टनल का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जोजिला टनल तैयार होने के साथ ही ना केवल लद्दाख के लोग जो है पूरे साल भर देश के साथ जुड़े रहेंगे, बल्कि सेना को इस जोजिला टनल की मदद से उनकी ताकत जो है वो दुगनी चौगनी हो जाएगी, क्योंकि सेना को जाने वाली सप्लाईज या दूसरे चीज़ें हैं वो पूरे साल भर इस रास्ते से होते हुए लद्दाख और कारगिल पहुँचेगी। और यहाँ हालांकि कठिन परिस्थितियाँ पूरे इस इलाके में हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अक्सर यहाँ पर सर्दियों के मौसम में तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान काफ़ी यहाँ पर घातक साबित होते हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है इस काम के दौरान। लेकिन इन सभी कठिन परिस्थितियों को मात देते हुए यहाँ पर भारत का ये गौरवशाली प्रोजेक्ट जोजिला टनल पूरा किया जाएगा, जिसके चलते ना केवल लद्दाख के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे बल्कि भारतीय सेना की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन जुम रशीद के साथ आसिफ साहब, जोजिला टनल, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।